नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। इट्स 29th ऑफ सितंबर एंड आज है बुधवार का दिन एंड आज 5 AM क्लब इज ऑल चार्ज्ड अप बिकॉज ऑफ दिस गर्ल। इधर लाइटिंग अच्छी है, इधर लाइटिंग अच्छी आई। सो 5 AM क्लब में देखो किसको मैंने शामिल कर लिया आज। वैसे बाय द वे मैं उठी थी तारिका चावड़ा। बाय द वे मैंने इसमें उठाया है। अच्छा जलवा है हमारा। ओके, सनराइज हो चुका है। हमारा प्लान पहले ये था कि हम यहाँ से बिफोर सनराइज 5:30 या अराउंड 5:15 निकल जाएंगे, सो दैट कि हम आमेर फोर्ट में सनराइज विटनेस कर सके। बट हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बताऊँ क्यों? क्योंकि देखा आज क्लाउड्स है और हम जाते भी तो हमें सनराइज नहीं मिलता। हम इतनी मेहनत से यहाँ से स्कूटी ड्राइव करके हाफ एन आवर 45 मिनट्स लगते, हम जाते उसके बाद भी हमें सनराइज नहीं दिखता। तो गॉड ने हमें बचा लिया क्योंकि वहाँ जाके हमें डिसहार्टन होना पड़ता बिकॉज दिस द वेदर इज सुपर 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 क्लाउडी। अभी हम रेडी हो गए हैं और हम जाने वाले हैं कुछ एक दो जगहें यहाँ की जहाँ पर हम अच्छे से फोटोग्राफी कर सके, क्योंकि तारिका को दिन में टाइम नहीं मिलता है। सो वी डिसाइडेड कि यप सुबह सुबह चलते हैं, विच इज़ अ ग्रेट टाइम टू ड्राइव। एंड जैसे स्कूटी ली थी मैंने कल, तो यस उसका पूरा सदुपयोग करते हैं। या लेट्स बिगिन द डे गाइस। ओह शिट शिट, ओह माय गॉड, क्या करती है रे हनी। हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क की है, ये होटल का बैक साइड है। पत्रिका गेट में जो कि है जवाहर सर्कल में, एंड यहाँ पर आप लोगों ने कई फोटोज देखी होगी। देयर इज अ गेट, ह्यूज गेट, और यहाँ पर सबकी प्यारी प्यारी बहुत अमेजिंग पिक्चर्स आती है। तो तारिका की तो हमने आके स्टार्ट भी कर दिया पिक्चर क्लिक करना। शी इज़ लुकिंग प्रिटी टुडे, या तो यप। और यहाँ पर आई एम लिटरली अमेज्ड दैट दिल्ली में भी इतने लोग फिटनेस फ्रीक नहीं है जितने यहाँ पर हैं। बच्चे स्केट कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। दिस अ ह्यूज पार्क, और पार्किंग अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो यू विल सी देयर इज अ बिग पार्किंग, और वहाँ पे पूरी कार कार कार, मतलब इतनी कार्स खड़ी है कि ऐसा लग रहा है इतने सारे लोग हैं इनसाइड द पार्क। आई एम ग्रेट ग्रेट जयपुर, आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड। तारिका की तो आज बैंड बज गई बेचारी की, लुक एट हर फेस। मैंने इतनी डांट मार मार के इतनी सारी फोटोज क्लिक कराई, बट पिक्चर टर्न्ड आउट टू बी गुड। अभी हम यहाँ पर खड़े हुए पत्रिका गेट पे। अब मैं सोच रही थी कि मैं देखो क्या बोलते हैं उस तरफ, हाँ मैं उस तरफ चलते हैं ताकि वहाँ पर तेरी फोटो एक आध आ सकती हूँ मैं, कि मैंने तो पहले ली भी है, तूने तो नहीं ली है, तो अभी खाली भी होगा तो अच्छी आ जाएगी, वो क्लिक करेंगे, वहीं से नाश्ता लेंगे एंड चले जाएंगे। तो वहाँ नहीं जाएंगे ना, वो कल जाएंगे किधर। One hour later. ब्रेकफास्ट करके आने के बाद ओ माय गॉड, मैं उस दिन भी सो गई थी और आज भी मुझे थोड़ी सी नींद सी आ रही है, पर मैं नहीं सोने वाली हूँ। नहीं, मुझे काम करना है, एडिटिंग करनी है, फिर उसके बाद मुझे बाइक जो रेंट पे ली है उसको वापस देने जाना है, क्योंकि वो हमने एक दिन के लिए ली थी। अभी हमें और कुछ खास ऐसा कुछ करना नहीं, आज चिल करेंगे, काम करेंगे रूम में और देखेंगे इवनिंग में, रात को डिनर में कहीं जाना हुआ तो विल गो, बट वो वापस कर देते, फालतू में खड़ी रहेगी कोई सेंस नहीं है। तो यप, और क्या बता रही थी मैं, हाँ गाना बजाओ।
ऑल्सो मैंने मैं ना वैसे लोगों को बड़ा ऑब्जर्व करते रहती हूँ. समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना. तो आज हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मेरे जस्ट ऑपोजिट पे एक फैमिली बैठी हुई थी. तो देवर लाइक कि आई एम नॉट जजिंग ऑन क्वांटिटी, आई एम जस्ट अगेंस्ट ऑन वेस्टिंग फूड. देवर कॉलिंग एवरीथिंग लाइक इडली भी, लाइक डोसा भी, लाइक उत्पम भी, लाइक ऑमलेट, क्रोसॉ भी मंगा लिया, फ्रूट्स भी मंगा लिया, सब कुछ मंगा लिया. बट देन देवर लाइक डूइंग कि एक एक करके वो प्लेट्स एक बार बाइट लिया एंड देन उसको फिर वापस कर रहे हैं. लाइक इट्स गोइंग ऑन गार्बेज, लाइक वो डस्टबिन में जा रहा है सब कुछ. दे नो इट, ऑब्वियसली आपने एक बार उसमें से खा लिया, आपने जब प्लेट मंगा ली उसके बाद उसका कुछ यूज़ नहीं होता है, वो जस्ट फेंकने में जाता है. तो लोग जब ऐसा करते हैं ना, आई लिटरली पिस्ड ऑफ. लाइक मतलब मुझे बहुत ही गुस्सा आता है. अगर पर्सनली ऑब्वियसली होटल स्टाफ एंड दे कांट, नो वन कैन से एनीथिंग. और दूसरी ये सबसे पहले तो वो आती है जब लोग गंदगी फैलाते हैं इधर उधर पब्लिक प्लेसेस में और जाके, वो एक मुझे सबसे ज़्यादा अनॉय करती है. एंड सेकेंड थिंग वेस्टिंग फूड. नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, आप कितना भी आपके पास पैसा है, कितने भी आप अमीर हो, आप खाना यार प्लेट में उतना ही लो ना जितना आप खा सकते हो. वाई टू वेस्ट फूड, वाई? आई मीन मुझे ये पॉइंट ही नहीं समझ आता लोगों का कि बस कॉम्प्लीमेंट्री है और हमने पे किया है, जस्ट हमने पे किया है होटल में तो हम सब कुछ खाएंगे, चाहे हमारे पेट में आए चाहे मत आए, हम प्लेट में लेके सब कुछ सजाएंगे अपने टेबल में, फिर हम चाहे उसको खा पाए या ना खा पाए, चाहे वो डस्टबिन में चला जाए. तो पीपल हु आर वॉचिंग दिस, ऑब्वियसली मैं किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसे हार्श अगर हो रही हूँ तो आई एम सो सॉरी, बट आई एम नॉट सॉरी बिकॉज मैं बहुत ही सच्चाई से मेरे अंदर जो आती है जो बात वो मैं बोल देती हूँ. कोई ऐसा करता है तो यार प्लीज़ अगर आप उनको बोल सकते हो तो बोलो, समझाओ. आई मीन लोग ऐसे होते हैं, हमारी कंट्री में ऐसे कितने लोग हैं जिनको खाने को नहीं मिलता है. एंड इफ़ यू आर द पर्सन हु इज़ वेस्टिंग फूड, देन शेम ऑन यू. ओके एवरीबडी, सो आई एम बैक एंड नाउ एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले ही आ गई थी. अभी आई एम गोइंग टू एडिट टूडेज व्लॉग, क्योंकि डेली व्लॉग जा रहे हैं एज यू गाइज नो. तो या अभी मैं एडिटिंग करूँगी एंड उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं एक नैप लूँगी क्योंकि काफ़ी नींद आ रही है. तुझे भी आ रही होगी, सुबह जल्दी उठनी है. ओके मुझे तो आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है. 2 hours later. प्लान आज हम आ गए हैं सिटी पैलेस. दो मैंने सिटी पैलेस भी ऑब्वियसली देखा हुआ है पहले, बड़े शॉर्ट्स दिखा दूंगी मैं इसमें सो दैट कि आप भी वीडियो के थ्रू सिटी पैलेस घूम लो. आज भी यहाँ पर रॉयल फैमिली रहती है, दो दे आर नॉट नाउ ऑब्वियसली नॉट स्टेइंग हियर ऑल द टाइम, बट देर इज़ अ पैलेस वेयर दे स्टे. और एट द सेम टाइम द पैलेस इज़ ब्यूटिफुल. दूसरी बार देख रही हूँ फिर भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगता है कि वाओ इतना सुंदर, काश ऐसे महल वहल में हमें भी रहने को मिलता है ना, ऐसा ऐसा फील आता है ना ऐसे दूसरी जगह देख के कि यार काश हम भी मतलब हमारी भी कोई रॉयल फैमिली से हमारी थोड़ी पहचान वहचान होती, हम उनके साथ ऐसे डिनर विनर पे सिर्फ एटलीस्ट डिनर तो कर पाते, रॉयल फैमिली नहीं तो रॉयल फैमिली के साथ बैठ तो पाते. ऐसा फील होता है सब देख के. हाँ कितना बड़ा है यार. ओह माय गॉड द बोट्स आई, और गिलहरी देखो गिलहरी कैसे भाग रही है. ओह माय गॉड पिजन्स. तो सिटी पैलेस से हम निकल गए हैं एंड आज हम जाने वाले हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने. पता नहीं कुछ पसंद आएगा तो ज़्यादा कर लेंगे मे बी, बाकी अभी तो जस्ट ये प्लान है कि हम जा रहे हैं शॉपिंग करने एंड वी आर गोइंग टू बापू बाज़ार, हवा महल के पास वाली मार्केट थोड़ी सी एक्सप्लोर करके देन विल गो टू बापू बाज़ार. इट्स अ मेन मार्केट इन जयपुर. विल सी कहाँ से हम आज शॉपिंग करते हैं. डिनर और आज
प्रॉपर राजस्थानी थाली खाने के मूड में है. लाइक ऑब्वियसली 3 दिन हो गए हमें यहाँ पर आए हुए, 4 दिन हो गए इवन, तो हमने वो नहीं खाया है. तो वी वर क्रेविंग फॉर इट. इसके साथ बाटी के साथ वाली दाल, ये प्लेट में बाटी को परोस कर लेते हैं, ऊपर से दाल और चूरमा. ओके, हाउ इज द फूड? तारिका देखो कितना खाती है. गाइस गाइस देखो, फूड का टेस्ट तो मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं था. बट मैनेजर वाज सो नाइस, ही इज कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट एंड एवरीथिंग. बस हो गया तुम्हारा इतना. और नो, नहीं नहीं बन सकती, कतई नहीं, कतई नहीं, कतई. मैंने तुमसे नहीं पूछा. ओह माय गॉड, लुक एट हर, स्वीट लवर, डेजर्ट लवर. सो व्हाट आर यू ईटिंग? छुपा रही है, कोई मैं खाऊंगी नहीं. ओके, बीटरूट. लेट मी शो यू गाइस. मूंग दाल का तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ये थोड़ा अलग था. ओके,